की गई है। और चलिए अब कुछ और हम खबरों का रुख करेंगे, बात करेंगे 7 साल की बच्ची के किडनैप की साजिश रची गई। बच्ची ट्रेन में पिता के साथ कहीं जा रही थी और उसी ट्रेन में किडनैपर भी चढ़ा, जिसे पता था बच्ची कहां जा रही है। सब लोग स्टेशन पर उतरे, बच्ची और उसका पिता थोड़ी दूर गया, किडनैपर फिर उनके साथ था। एक इलाके में किडनैपर बहाने से बच्ची को अपने साथ ले गया, लेकिन सीसीटीवी ने वारदात का राज खोल दिया। हैरानी देखिए, किडनैपिंग की साजिश में मासूम बच्ची की मां भी शामिल थी। आखिर कौन है वो किडनैपर, देखिए। बच्ची का अपहरण, हुलिये ने खोला राज। ट्रेन में किडनैपर, भरोसे पर प्रहार। सीसीटीवी में कैद किडनैपर का राज। किडनैपर की राजदार बनी मां। वो 20 दिन ममता का सौदा। ट्रेन का एक ऐसा सफर जिस सफर में ये किडनैपर ट्रेन में चढ़ा, जिसका मकसद साफ था, वो 7 साल की मासूम बच्ची को अगवा करना चाहता था। वारदात 15 दिसंबर को हुई, लेकिन एक दिन पहले ही इस आरोपी ने रेकी कर ली थी और 15 तारीख को वो इंतजार कर रहा था कब वो बच्ची आएगी। बच्ची अपने पिता के साथ मैहर रेलवे स्टेशन पहुंची, ट्रेन में सवार हुई और उसी वक्त ये किडनैपर भी बैठा, जिसने बच्ची के पिता से जान पहचान बढ़ाई और कहा वो भी उसी गांव जा रहा है जहां आप जा रहे हो। ये सारा मामला थाना उचेहरा का है, जिसमें कि एक नाबालिग बालिका का अपहरण का मामला सामने आया था, जिस पर तत्काल थाना उचेहरा में धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। उचेहरा के बौली चौराहे तक आरोपी साथ ही गया। बच्ची को प्यास लगी, पानी पिलाने के बहाने किडनैपर उसे अपने साथ ले गया। अपहरण की ये वारदात अपने आप में हैरान करने वाली थी। मामला दर्ज हुआ, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज, जिसमें बच्ची आरोपी के साथ जाती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो और आरोपी की तस्वीर सर्कुलेट की गई। ये बात आरोपी को भी पता लग गई और उसने बच्ची को 20 दिन बाद मैहर स्टेशन पर छोड़ दिया। बच्ची तो मिल गई, लेकिन किडनैपर कौन है, उसे कैसे पता चला, बच्ची किस दिन किस ट्रेन से जाने वाली है। बच्ची से पूछताछ में कुछ जानकारी पुलिस के हाथ लगी और आरोपी तक पुलिस वाले पहुंचे। रायपुर बघेलान से आरोपी संजय उर्फ जिग्गी लाल की गिरफ्तारी हुई। विवेचना के दौरान पुलिस ने उक्त बालिका को सकुशल दस्तयाब किया था और बालिका से पूछताछ जब की गई तो उससे जो इनपुट मिले उसके आधार पर आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। अब इस किडनैपिंग की कहानी में सबसे चौंकाने वाला खुलासा सुनिए। बच्ची की मां इस किडनैपिंग के बारे में सब कुछ जानती थी। पुलिस की माने तो बच्ची की मां ने अपने एक्स प्रेमी संजय से समझौता किया था। दरअसल महिला की 4 बेटियां हैं। आरोपी ने उससे एक बेटी मांगी, बदले में हर महीने 5,000 रुपए देने का सौदा हुआ। आरोपी से पूछताछ करके उसका मेमोरेंडम लिया गया, जिस पर से उस बच्ची की मां को भी आरोपी बनाया गया है। अतः प्रकरण में कुल 2 आरोपी हैं। एक तो वह जिस जो कि उस बच्ची को लेके गया था, साथ में उसकी मां को भी इसमें आरोपी बनाया गया है साक्ष्य अनुरूप, और दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। एक मां जिसने ममता का सौदा किया, ये खुलासा होश उड़ाने वाला है। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 5 साल के मासूम बच्चे का कत्ल हुआ। कत्ल के बाद हत्यारा जागता रहा, क्योंकि उसे राज को छुपाने के लिए बच्चे की लाश को ठिकाने लगाना था। आरोपी ने ऐसा किया भी। बच्चे के गले में साड़ी का टुकड़ा मिला। क्या इस सुराग ने कातिल का सुराग दिया? कत्ल में कैद था 3 मौत और वहम में बदलापुर। एक कातिल जो जगाता रहा,
कत्ल कहीं और, लाश कहीं और। मासूम बच्चे का मर्डर, साड़ी के टुकड़े में कैद कातिल, तीन मौत एक शक इंतकाम, 5 साल का मासूम प्रकाश जो अब जिंदा नहीं है, जिसकी लाश उमरिया के इंदवार थाना इलाके के मझौली गांव में खंडहर हो चुके सामुदायिक भवन में नए साल के दूसरे दिन मिली। बच्चे के गले पर साड़ी का टुकड़ा मिला, पुलिस के लिए ये एक क्लू था, लेकिन कातिल का राज खुलना अभी बाकी था। उमरिया के इंदवार थाना इलाके का ये मामला है। मासूम प्रकाश खेत से घर जाते वक्त रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। तारीख थी 1 जनवरी। कुछ दिन पूर्व एक बड़ी दुखद और हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें एक बालक की नृशंस हत्या होती है और इस हत्या को लेकर पुलिस अधीक्षक उमरिया, उनकी टीम ने दिन रात इसमें मेहनत की। आखिर मासूम का गुनहगार कौन है? आरोपी का सुराग देने पर 30,000 के इनाम का ऐलान भी किया गया था। बच्चे की हत्या जिस तरीके से की गई, वो किसी बदले इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा था। बच्चे को जमीन पर इस आरोपी ने पटका था, लेकिन जब बच्चे की मौत नहीं हुई तो इस हैवान ने साड़ी के टुकड़े से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी डर के मारे रात भर जागता रहा, जिसने बच्चे का कत्ल कहीं और किया था और लाश को खंडहर में ले जाकर फेंक दिया। आरोपी ने क्राइम सीन बदल दिया। इस नृशंस हत्या के आरोपी को आज गिरफ्तार किया जा चुका है। इस केस में पुलिस कई एंगल्स से जांच कर रही थी, जिसमें पुलिस के हाथ जमीनी रंजिश की कहानी लगी। पड़ोसी दलबीर सिंह से मृतक के परिवार का विवाद था। पुलिस की पूछताछ में दलबीर टूटा, जिसने कबूल किया कि उसी ने बच्चे का कत्ल किया था। जो आरोपी है, वो आरोपी उसी गांव का है, मृतक के परिवार का पड़ोसी है, सजातीय है ये। लेकिन वजह जमीनी विवाद की रंजिश नहीं थी, बल्कि इस कत्ल के पीछे था वहम शक। दरअसल आरोपी के 2 बेटे पैदा होते ही मर गए, पिता की मौत भी बीमारी के चलते अचानक हो गई। इन तीनों मौतों के लिए आरोपी दलबीर मृतक बच्चे की दादी को जिम्मेदार मानता था, जिसे शक था कि उसकी दादी जादू टोना करती है और इसी जादू टोने से उसके परिवार में ये मौतें हुई हैं। घर में जो बच्चों की कुछ वर्ष पूर्व छोटे बच्चों की जो मृत्यु हुई थी, उसका कारण जो मृतक बालक है, उसकी जो परिजन हैं, विशेषकर जो बुजुर्ग हैं उसके घर में, उनके द्वारा अंधविश्वास और जादू टोने को लेकर उसके मन में एक दुश्मनी थी, रंजिश थी, जिसको उसने इस मासूम बच्चे की हत्या करके उसका बदला लिया। वहम में वहशीपन बदलापुर दहला देता है। उमरिया से विजेंद्र तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। त्रिशूल वाली लाश की ये वो खौफनाक मिस्ट्री है जिसकी तहकीकात करीब 5 महीने से चल रही थी। लाश का ऊपरी हिस्सा जला हुआ था, लाश पर त्रिशूल धंसा हुआ था, पूजा पाठ का सामान भी मिला, लेकिन इस कत्ल का तंत्र मंत्र से कोई कनेक्शन नहीं था। ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का ये खुलासा आपको हैरान कर देगा। त्रिशूल वाली लाश की मिस्ट्री। पहले कत्ल, फिर लाश को जलाया। अधजली लाश, वो कौन था? तीन दिन की दोस्ती, 5 महीने बाद खुला राज। अजनबी का खूनी याराना।
करीब 5 महीने से पुलिस की टीम इस अधजली लाश की मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। कमर से ऊपर का हिस्सा जला हुआ था और लाश पर त्रिशूल भी मिला, खून बिखरा हुआ। ये एक ब्लाइंड केस था। लाश की पहचान करना और कत्ल किसने किया, क्यों किया, मरने वाला कौन था, कहां का रहने वाला था, पुलिस के लिए चुनौती बना था। दुर्ग के रसमड़ा के सत बहिनिया मंदिर के मंच पर ये लाश मिली थी। 30 जुलाई 2023 को ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। ये जो मामला है वर्ष 2023 के जुलाई महीने में घटित हुआ था, चौकी अजोरा के अंतर्गत रसमड़ा गांव में। तो उसमें अपराधी जो है वह अभी तक फरार था, जिसे आज पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। लाश के पास पूजा पाठ की सामग्री, भगवान के वस्त्र, लाश पर त्रिशूल का धसा मिलना आखिर किस और इशारा कर रहा था? क्या कत्ल का कनेक्शन तंत्र मंत्र से था? लेकिन इस कत्ल में तंत्र मंत्र की कोई कहानी नहीं थी। इस बीच एक और बात पुलिस को पता चली, मंदिर की देखरेख करने वाला रामचरण चंद्राकर लापता था। शक की सुई रामचरण पर थी, जो वारदात के बाद से गायब था। जब रामचरण अपने घर दुर्ग के शक्ति नगर लौटा, तब इसकी खबर पुलिस वालों को लगी, पूछताछ हुई और आरोपी रामचरण अरेस्ट हुआ। ये जो घटना थी वो एक अंधे कत्ल के रूप में था, क्योंकि जो मृतक था उसको जला दिया गया था, इससे उसकी आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो गई थी। अभी पुलिस के द्वारा जब संदेही से कड़ाई से पूछताछ किया गया, उसको हिरासत में लेके, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो व्यक्ति था जो उसे अचानक से मुलाकात हुई थी उसकी, फिर उसके साथ आकर वो रहने लगा वहाँ पर। हैरानी देखिए, आरोपी रामचरण चंद्राकर और मृतक राजू की पहचान वारदात से महज 3 दिन पहले रेलवे ट्रैक पर हुई थी। मृतक का नाम राजू था, जिसने आरोपी से कहा था वो बेघर है, उसके साथ चलना चाहता है। रामचरण उसे अपने साथ लेकर आया, लेकिन राजू ने कुछ ऐसा किया कि दोनों के बीच विवाद हुआ। इस विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। घटना दिनांक को एक छोटी सी बात में दोनों के बीच में बहुत विवाद हुआ और मारपीट की घटना हुई, तो इसी दौरान वो तहस में आके टंगिया उठा के उसको मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। राज को छुपाने के लिए आरोपी ने लाश को जला दिया, लेकिन 5 महीने बाद कत्ल का ये राज खुल ही गया। दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक जीजा दहाड़े मारकर रोता है कि उसके साले का कत्ल हो गया, लेकिन ड्रामा करने वाला ये जीजा ही साले का कातिल निकला, जो प्लॉट दिखाने के बहाने साले को अपने साथ ले गया और साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। उसके बाद मर्डर को दी एक्सीडेंट की शक्ल। कत्ल का ये प्लॉट देखने के बहाने बनाया गया। उपेंद्र यादव की हत्या हुई थी, जिसे ये आरोपी प्लॉट दिखाने के बहाने ले गए। हैरानी ये थी कि हत्या के बाद हत्या नहीं लगे बल्कि हादसा लगे। इसके लिए आरोपियों ने उपेंद्र की लाश पर गाड़ी चढ़ाई, जिससे ये एक्सीडेंट लगे। जो व्यक्ति है उसकी पहचान हुई थी उपेंद्र यादव के रूप में, 23 साल का लड़का है और इसके गले में जिसमे से लग रहा था गला उसको घुटा गया है, उसके सिर पर भी चोट के निशान थे। ग्वालियर की महाराजपुरा थाना पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। उपेंद्र की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी संजय उर्फ भूरा यादव था। संजय मृतक उपेंद्र का जीजा था। जीजा ने अपने साले की हत्या की साजिश रची। एक बहनोई के ऊपर शंका गई कि उसका आना जाना संदिग्ध था, उसका जो जानकारी दे रहा था वो गलत। इस तरह से उससे पूछताछ करने पर उसको फाइनली एक्सेप्ट उसने किया है। उसने बेसिकली उसने पेंट का काम ये मृतक के साथ करता था और मृतक जो है अकेला ही लड़का था। उपेंद्र अपने घर का इकलौता चिराग था, जिसके पिता की हत्या 15 साल पहले ही हो चुकी है। आरोपी संजय दतिया का रहने वाला है, जो अपने साले के साथ मिलकर टेंट का कारोबार कर रहा था। इस व्यापार में घाटा हुआ, घाटा होने पर विवाद हुआ। जीजा संजय की नजर जायदाद पर भी थी। उसने लोगों ने मिलकर प्लान बनाया और इसको लेते गए पैर दिखाने के बहाने और वहाँ पे इसका गला घोट दिया। बाद में क्योंकि एक्सीडेंट टाइप का लगे, तो इन्होंने अपनी गाड़ी से जो दिल्ली पासिंग गाड़ी लेके आए थे
उससे उसके शरीर उसके तक चढ़ाई बिगाड़ी, जिससे उससे हल्का था सिर में भी उसको चोटें दिखी है। यानी एक तीर से संजय कई निशाने लगाना चाहता था, निशाना तो लगाया लेकिन वो अपने ही चाल के जाल में फंस गया। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अगली खबर बुरहानपुर से, जहां जिला न्यायालय में एक प्रेमी प्रेमिका लोगों की नजरों से बचने के लिए बुर्का पहनकर कोर्ट मैरिज कराने के लिए पहुंचे। इस दौरान संदेह होने पर लोगों ने प्रेमी जोड़े से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया, जिसके बाद प्रेमी जोड़े और उनके साथ आए एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि खकनार थाना क्षेत्र से गुमशुदा लड़की अपने प्रेमी के साथ बुर्का पहनकर कोर्ट मैरिज करने जस्थम स्थित पुराने कोर्ट पहुंची थी, लेकिन कोर्ट यहां से मोहम्मदपुरा में शिफ्ट हो गया था, जिसके चलते यहां कोर्ट बंद हो चुका है। प्रेमी प्रेमिका बुर्का पहने हुए थे, उनके साथ एक व्यक्ति भी था। जब लोगों को संदेह हुआ तो उन्होंने तीनों से पूछताछ की। मामला संदिग्ध होने पर लोगों ने प्रेमी प्रेमिका और उसके साथ आए व्यक्ति को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। जी ये वो बालिक है और वो उसी के गांव के उसी समाज का एक लड़का है, दोनों प्रेमी है। दोनों प्रेमी होके अपने शाहपुर से ये अपने खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम जामिया से चले गए थे प्रेम संबंध होने से। उसके बाद ये गुजरात चले गए थे, उधर से आज आए थे। उनको ऐसा महसूस था कि पुरानी कोर्ट जय स्तंभ के पास में है, उसी हिसाब से उस कोर्ट में आज वो लो मैरिज के हिसाब से गए थे। तो वहाँ पे लोगों ने इनको संदिग्ध अवस्था में देख के उनको पकड़ के लाए। मैंने इस संबंध में उनसे चर्चा करके खकनार थाने पे बात करी। खकनार थाने पे इनकी दोनों की गुमशुदगी, लड़की की गुमशुदगी है, जो आ रहे हैं वो आके इन्हें ले जाएंगे। झाबुआ में बेमौसम बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। देर रात से जारी बारिश के चलते गेहूं की फसल खेतों में गिर गई। अब किसानों को फसल में नुकसान की आशंका है। वहीं ईंट भट्टों वालों को भी इस बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ईंट भट्टा जो संचालक हैं, उन्हें भी इस बारिश की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कच्ची ईंट बनकर तैयार हो जाती हैं और जब वो भीग जाती हैं तो एक बार फिर से मिट्टी की शक्लें ले लेती हैं, और यही कारण है कि नुकसान ईंट भट्टा को भी हुआ है। और चलिए कुछ और हम खबरों को रुक करेंगे, बात करेंगे दतिया में महिला ने सरपंच को चप्पलों से पीटा, चप्पल से मारने का वीडियो सामने